नेक्स्ट और लेट्स कंटिन्यू टॉपिक। हमारा टॉपिक चला था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें हम एक्सरसाइज 6.4 में थे। इसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो चुका था। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब इसमें मैं सिर्फ दो ही ये लूंगा, प्रॉब्लम्स लूंगा। अच्छा पहले एक बात बताइए, लास्ट टाइम जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे, तीन एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किए थे, इसमें आई थिंक 7.29 मैंने ले लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डू यू रिमेम्बर? आर यू गेटिंग माई वॉइस? कुछ याद आ रहा है? मैंने 7.29 लिया था। चलिए अगर याद नहीं तो कोई बात नहीं, 7.29 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 2.56 और इसके बाद मैं 51.84 वाला लूंगा, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। रिमेनिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आपको दिया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। आई एम टेकिंग द फर्स्ट 2.56। एक्सरसाइज 6.4, थर्ड इन दैट फर्स्ट 2.56। पेयरिंग में हम सबसे पहले पेयरिंग यहां लेंगे और डेसिमल में यहां। डेसिमल के आगे एक सिंगल डिजिट है, ठीक है। अब मुझे ऐसा नंबर बताइए, टू तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ऐसा नंबर बताइए जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर टू से छोटा है। अ नंबर हुज परफेक्ट स्क्वायर इज लेस देन टू। ओके गुड। वन 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 जा वन। नाउ 2 माइनस 1 गिव्स यू 1, 5, 6, हियर यू गेट 2 पॉइंट। नाउ सी लिसन, आप नंबर 256 कंसिडर कीजिए, ठीक है। आप नंबर 256 कंसिडर कीजिए। 256 में भी आप क्या करोगे, ये और ये लोगे, ठीक है। तो इस साइड आपका 1 आ रहा है, ठीक है। अगर हम 1 के आगे 0 कंसिडर करें, 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, ओके। और 10 से आगे प्रोसीड करेंगे 20, 20 का स्क्वायर 400। तो ये 256 जो है ये 100 से बड़ा है और 200 से छोटा है। इट इज ग्रेटर देन 100 एंड इट इज लेस देन 200, लेस देन 400। मतलब इसका आंसर जो है वो 11 से लेकर 19 के बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे कौन से नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर हम फाइंड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है? ऐसे कौन से नंबर्स हैं? एक तो 6 और एक तो 4। आदित्य 26 आप आंसर क्यों दे रहे हो? पहली बात तो 26 आंसर है नहीं, और आप क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ठीक है। 6 और 4 आएगा, ठीक है। मतलब यहां पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, आइदर 6 और 4। द पॉसिबिलिटी आइदर 6 और 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 4 पुट अप करते हैं तो 4 टू द 8 आता है, 15 से बहुत दूर है। तो मोस्ट पॉसिबल चांस किसका हो सकता है, 6 का। अगर हम यहाँ 6 पुट अप करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, ओके। सो 6 6 6, 6 6 जा 36, कैरी 3 हो गया। 6 टू द 12, 12 प्लस 3 15, यर यू गेट 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 ये आएगा 1.6। क्लियर? ये आएगा 1.6। यस, एनी डाउट इन दिस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 51.84। ओके नाउ सी 51.84 डेसिमल में इस तरफ जाएगा और ऐसे रिवर्स में आएगा, ठीक है।
नाउ 51 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 51 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे ऐसा नंबर बताइए जिसका परफेक्ट स्क्वायर नियर बाय टू 51 और लेस देन 51 है, मतलब 51 से छोटा भी होना चाहिए और नियर बाय भी होना चाहिए। यस करेक्ट, सेवन, सेवन आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको सेवन मिल गया, लास्ट में यहां पे फोर आ रहा है, ऐसे कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में फोर दिखाई देता है? सिर्फ टू, बस सिर्फ टू क्वेश्चन है, ऐसे कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर में लास्ट में फोर दिखाई देता है? यस, अब आंसर एट भी आ रहा है, टू एंड एट दो है, टू स्क्वायर करते तो फोर आता है, एट स्क्वायर करते 64 आता है, लास्ट में फोर दिखाई देता है। मतलब एक बात क्लियर हो गई हमारे लिए, वो ये है कि इसका आंसर या तो 72 आएगा या 78 आएगा, मतलब डेसिमल के हिसाब से आइदर इट विल बी 7.2 और इट विल बी 7.8। क्लियर, ये क्लियर है। अब अगर हम 70 का स्क्वायर करते हैं तो 4900 आएगा, और 70 के आगे 80 का स्क्वायर करते तो 6400 आएगा। ये नंबर 4900 के नजदीक है, 6400 से बहुत दूर है, तो वहां से क्लियर हो गया कि इसका आंसर 7.2 आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं और आप लोग भी सॉल्व कीजिए। 7 7 7 7 49, ओके, रिमाइंडर 3। ये 84 पूरा नीचे आएगा, डेसिमल पॉइंट था तो ये डेसिमल पॉइंट, और ये 14 आएगा, ठीक है। नाउ 14 यहां 2 आएगा, सॉरी ये 14 है और यहां 28 दिखाई दे रहा है, 2 से मल्टीप्लिकेशन पे यहां पे 28 मिलता है, यहां आप 2 ले लीजिए, 2 2 जा 4, 2 14 जा 28, ये 2 आ गया, ये 0 0 गया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 दिस इज 7.2। ओके any doubt in this? Okay, now next is fourth, find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get the perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. Now listen. Question is, find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. Okay. हमें least number चाहिए जो इसमें से subtract किया जाए ताकि हमें perfect square मिले. अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें मैं सिर्फ दो ही प्रॉब्लम लूंगा, आई एम टेकिंग द सेकेंड एंड थर्ड, बाकी आपके होमवर्क रहेंगे। ओके, फोर्थ का सेकेंड, सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ फोर्थ 1989। नाउ सी हाउ टू सॉल्व, इसमें पैर लेंगे, ये और ये पैर आएगा, ठीक है, वी विल टेक द पैर। अब मुझे ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर 19 से छोटा लेकिन 19 के नजदीक हो, फोर, ठीक है, फोर लिया, ये फोर यहां पे आया, ये फोर यहां पे आया, फोर फोर जा 16, रिमाइंडर 3, और यहां पे फोर और फोर ऐड हो गया, ठीक है, इधर रिमाइंडर 3 आ गया, 8 9 नीचे आ गया, ठीक है। नाउ सी 8 में 5 की टेबल अगर अप्लाई करते हैं तो 40 मिलेगा, मतलब यदि हम यहां पे 5 लेते हैं और नीचे 5 लेते हैं तो ये 400 में आंसर चला जाएगा, हमारा आंसर 389 है,
तो मोस्ट पॉसिबल चांस है कि यहाँ पे फोर लिया जाएगा. ओके, बी टेक फोर, अगेन फोर फोर जा 16, कैरी वन, 4 8 जा 30, यू गेट कैरी वन के हिसाब से 33. ये देखिए, यदि हम 5 लेते तो 5 5 5 25 होता और 5 8 जा 40 प्लस 2 42. क्लियर, ये 425 होता. ठीक है, तो हम फिर से क्या लेंगे, 4 ही लेंगे. अब ये तो जीरो हो नहीं रहा है और होगा भी नहीं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं. हमें तो उल्टा लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो इसमें सब्ट्रैक करे जिससे परफेक्ट स्क्वायर मिले. नाउ 9 माइनस 6 3 आ गया. ओके, 8 माइनस 3 5 आ गया एंड 3 माइनस 3 0 हो रहा है. ओके क्लियर. और यहाँ ऐड करेंगे तो 88. वैसे इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हम इसे सॉल्व करने वाले नहीं है. ओके, सो वी आर गेटिंग 44, वी आर गेटिंग 44 और नीचे 53 है. अब जरा एक काम कीजिए, ये जो 1989 है इसमें से 53 सब्ट्रैक्ट करो एंड सी व्हाट यू गेट. यू गेट 1936. ओके, 44 का स्क्वायर फाइंड करो और देखो क्या आ रहा है. एक तो आप ये जो 53 नीचे आंसर आ रहा है ना, वो 1989 में से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, और दूसरा आपको 1936 आ रहा है, दूसरा 44 का स्क्वायर करो एंड सी व्हाट यू गेटिंग. यस, क्या आ रहा है बताइए, सेम आ रहा है. आर यू गेटिंग सेम? ओके, आप 44 का स्क्वायर करोगे ना तो आपको 44 इंटू 44 मिलेगा. दिस 44 इंटू 44, दिस गिव्स यू 4 4 16, 4 16 plus 17 and this also 176. You get 6, 13, 7, 1, 9 and 196. Okay, clear. Also, जब आप 1989 में से 53 subtract करोगे तो भी आपको 1936 मिलेगा. Okay, also 1989 minus 53 किया, ठीक है, तो आपको 1936 मिलेगा. तो आंसर में क्या आएगा, therefore least number to be multiplied, least number to be subtracted is 53. Least number to be subtracted is 53. आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये आएगा. फिर आगे दिया, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर. ओके, एंड नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 1936 मिल रहा है जिसका स्क्वायर रूट 44 आएगा. जिसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये 44. प्रॉब्लम क्लियर और एनी डाउट? ओके, तो फिर इसी हिसाब से आप लोग थर्ड वाला क्वेश्चन 3250 सॉल्व करके बताओ. सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन 3250 कीजिए. थ्री टू फाइव जीरो सॉल्व कीजिए.
सॉल्व कीजिए, आपका क्या आ रहा है, और चैट बॉक्स में आंसर बता दीजिए भले, नो इश्यू। थ्री टू फाइव जीरो, अब यहाँ पे नंबर बताइए जिसका स्क्वायर 32 से छोटा है, नियर बाय। ओके, नियर बाय 5, 5, 5, ये 10 हो गया, 5 5 25, ये 7 आ गया, एंड यू आर गेटिंग 750। अब यहाँ पे ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 750 के नजदीक हो, ये 10 है, अगर हम यहाँ नंबर कोई लेंगे तो वो 100 की सीरीज में चले जाएगा, और 100 में 700 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 750 है, 700 मतलब 7 7 7 49 एंड 7 7, तो ये तो लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड क्या आएगा, इट विल बी 1। ओके, लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड इज 1। लीस्ट नंबर टू भी सब्ट्रैक्टेड इज 1, एंड 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 3249 मिलेगा, यू गेट 3249, इसका स्क्वायर रूट ऊपर जो ये आ रहा है 57, ये आएगा। ओके, जैसे इस केस में हुआ था, लीस्ट नंबर जो सब्ट्रैक्ट हुआ था ये 53 हुआ था, इसमें से 53 सब्ट्रैक्ट करके हमें 1936 मिला था, और इस 1936 का स्क्वायर रूट ये जो ऊपर नंबर है 44, ये आ रहा था। वैसे यहाँ पे लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट 1 होगा, हमें 3249 मिलेगा, और अंडर रूट ऑफ 3249 फाइंड करेंगे तो ऊपर ये जो आंसर मिल रहा है 57, दैट विल बी द आंसर। ओके, एनी डाउट इन दिस? मूविंग टू नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अब यहां पे है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब इसमें भी मैं सिर्फ दो ही प्रॉब्लम लूंगा, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। इसमें एक प्रॉब्लम मैं पहला लूंगा 525, और दूसरा प्रॉब्लम मैं फिफ्थ लूंगा 6412। ओके, बाकी रिमेनिंग आप लोग ट्राई कीजिएगा, यू हैव इनफ टाइम एट होम, वैसे स्कूल टाइम आपका जो रहता है उसके हिसाब से आप ये कंसिडर करो कि सुबह 6:30 बजे आप लोग उठते हो, तैयार होते हो, स्कूल आते हो, छुट्टी होती है, घर पहुंचते हो, घर पहुंचते पहुंचते 2:30 हो ही जाता है, 6:30 वालों के लिए 2:30 होगा क्योंकि वो नजदीक रहते हैं, जो दूर रहते हैं उनके लिए तो मान के चलिए कि वो 6 बजे उठते हैं और घर पहुंचते पहुंचते उनको 3 बज जाते हैं। ठीक है, सो मिनिमम अगर मैं कंसिडर करूँ 6:30 से 2:30 तक भी अगर मैं टाइम कंसिडर करके चलूँ तो 8 घंटे। ओके, 8 आवर्स, और यहाँ पे पढ़ाई के लिए अब आपके सिर्फ दो ही पीरियड है इसलिए 2 आवर्स। ठीक है, मीन्स यू आर हैविंग इनफ टाइम, सो डू द प्रैक्टिस एट होम। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे नंबर कौन सा ऐड करना है वो चेक करना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन 525, वर्किंग सेम, आप 525 लीजिए और पैरिंग करके इसे सॉल्व कीजिए। यहां पे 2 आएगा, 2 2 4, रिमाइंडर 1, और ये 4 हो गया, 25 नीचे आएगा, 125 हो जाएगा। ओके, नाउ सी, ये 4 है, मतलब यहां जो भी नंबर लिखेंगे तो वो 40 की सीरीज में जाएगा, इट विल गो इन द सीरीज ऑफ 40, ये 40 की सीरीज हो जाएगी और ये 125 है, तो 40 में 3 120 आता है, लेकिन यदि हम 3 यहां पे लेते हैं तो ये हो जाएगा 129, 3 3 9 होगा तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 2 लेंगे। ओके, वी विल टेक 2, जब हम 2 लेंगे तो 2 2 4 एंड 2 4 8, हमें ये तो पता है कि यहां पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आ गया 2। ठीक है,
अब क्वेश्चन है कि हमें ऐड कितना करना है, हमें ऐड कितना करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे क्या लिखेंगे वो देखो, 525 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्वेश्चन इज 22, ये ऊपर जो है क्वेश्चन इज 22, देयरफॉर 525 लाइज बिटवीन 22 स्क्वायर एंड 23 स्क्वायर। 525 लाइज बिटवीन 22 स्क्वायर एंड 23 स्क्वायर। 525 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहां ऊपर 22 आ रहा है, इसका मतलब ये 22 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन इसके बाद जो नंबर है 22 के आगे वो है 23, ये 23 स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो अब आपको लीस्ट नंबर जो ऐड करने के लिए कहा गया है वो आप क्या करोगे, 23 का आप स्क्वायर फाइंड करो, देयरफॉर 23 स्क्वायर इज इक्वल, यस 23 का स्क्वायर फाइंड करके बताइए कितना आ रहा है। स्क्वायर 529 आ रहा है। ठीक है, 529 माइनस 525 दिस गिव्स यू 4। देखिए 23 का स्क्वायर 529 आ रहा है, हमारा गिवन क्वेश्चन जो था वो 525 था, 529 माइनस 525 करेंगे तो 4 आएगा। ओके, इसका मतलब देयरफॉर 529 दिस इक्वल टू 525 प्लस 4, इसका मतलब ये 525 में लीस्ट नंबर 4 इसे ऐड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, देयरफॉर लीस्ट नंबर टू बी एडेड इज 4। देयरफॉर लीस्ट नंबर एडेड इज टू बी 4। ओके, आगे दिया ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, वो तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। ओके, जब इसमें 4 ऐड करेंगे तो आपको 529 मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 529 जो है वो 23 आ जाएगा। एनी डाउट इन दिस? वैसे तो प्रॉब्लम यहां पे भी क्लियर हो गया था, ठीक है, कि हमें 4 को ही ऐड करना है। कैसे? जब मैंने यहां कहा था कि ये 40 की सीरीज फॉर्म करेगा और ये 120 की रेंज है, और 40 में 123 आता है, लेकिन यदि हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ 129 आएगा, वो 125 से बड़ा है, तो 129 125 से 4 नंबर बड़ा था। आंसर तो यही क्लियर था कि जो हम नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बढ़ा रहा है, और कितना बढ़ा रहा है वो एक्चुअल उसका आंसर था। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं इसी में, जो फिफ्थ क्वेश्चन है 6412, 6412 का ऐसा लॉन्ग डिवीजन फाइंड करो, देखो क्या आ रहा है, फाइंड द लॉन्ग डिवीजन ऑफ 6412। रियली शॉकिंग, इस वक्त 36, थोड़े देर पहले मैंने चेक किया था 43 थे, अभी 36 हो गए। ओके, 64 खुद 8 का स्क्वायर है, तो यहां पे 8 आएगा, दिस इज 8, ओके यू गेट 64। एडिशन ये 16 हो गया, ये 0 0, और ये 12 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये 16 12 से बड़ा है तो यहां पे 0 अप्लाई होगा, जीरो था ये, जीरो ये 12 हो गया, मीन्स यू गेट दिस। ओके, अब आपको ये मिल रहा है। ठीक है, अब इसे आगे कैसे देखेंगे, 6412 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे हमने यहां लिखा था, क्वेश्चन इज 22, यहां पे क्वेश्चन 80 आ रहा है,
क्वेश्चन इज 80। देयरफॉर 6412 लाइज बिटवीन 80 स्क्वायर एंड 81 स्क्वायर। अब 81 स्क्वायर फाइंड करो, इट इज 81 इंटू 81। यस, व्हाट इज 81 स्क्वायर? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 81? सिक्स फाइव सिक्स वन। 6561 minus given 6412 this gives you, yes, 6561 minus 6412 okay 149. Therefore 6561 is equal to 6412 plus 149. इसके आगे आपका आंसर ये आएगा, लीस्ट नंबर टू बी एडेड इज 149 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज इक्वल टू 81। ये आएगा फाइनल आंसर।